So first of all, welcome to our channel, Shruti, and you are looking gorgeous. Tell us about your look. क्या आप बताना चाहेंगे आज के फोटोशूट के बारे में? हाँ जी, thank you so much for all the compliments first of all, and have a good day. So now let's start about the photo shoot. So I am doing this photo shoot for Fashionista magazine, जिसके founder हैं ओसामा एंड फरहीन, and they have done my hair and makeup also, which you can see. I am liking it very much. It is different from other looks which I have done right now, and the outfits are from Nikita K Gupta HM, and they are really amazing. The quality of the product, and you know, I think they add something Indo-Western grace to the outfits. There is something Indo-Western thing which is somewhere motivating, which is somewhere a motivation to other designers to bring up something which is more closer to our roots. So I think this is amazing and pictures are looking amazing. Ab hope karte hain ki jo result aayega wo bhi bahut hi khoobsurat hoga. Aap kitna enjoy karti hai photo shoot ko lekar? Main bahut enjoy karti hu. Music hota hai aur har photo shoot mein na ek challenge hota hai ki aap isme kya different karoge taki wo aapke baaki pictures se alag lage. To wo mujhe bahut pasand hai, you know, trying something different and unique. So I love it. ओके, और क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने लुक के बारे में? आप क्या कुछ ज़्यादा पहनना प्रीफर करती हैं? सी, आई प्रेफर कंफर्टेबल क्लोथ्स. लाइक फॉर मी, फैशन इज़ कंफर्ट. इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द आउटफिट, मैं करती नहीं हूँ. लाइक मुझे पता है कि मैं मुझे क्या चीज़ पसंद है, सो मैं उतना ही रखती हूँ. आई डोंट गो कि अरे नहीं, ये भी हो जाना चाहिए, वो भी हो जाना चाहिए. नहीं, क्योंकि आप जितने कंफर्टेबल होते हो, आप उतने ग्रेसफुल दिखते हो. ओके, लाइक शादी या फिर फेस्टिव सीजन में क्या कुछ आप ज़्यादा पहनना प्रेफर करती हैं? सी, शादीज़ में तो आई थिंक लहंगा पहनने का सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ होता है कि अरे शादी है, लहंगा तो बनता है यार, नहीं तो साड़ी. यू नो, ये कुछ आउटफिट्स होते हैं जो आप अपनी रेगुलर लाइफ में नहीं पहन सकते. सो शादी हो गया एंड फेस्टिवल्स हो गए, दे आर दी एक्सक्यूज़ और ओकेजन्स टू wear something very typical Indian, and I love that. I love Indian outfits. Okay, Shruti, आप ज्वेलरी को कितना पसंद करती हैं? There's a big no from my side. I think जो gems भी होते हैं ना, जो हमें astrologers बताते हैं कि आप पहन लो, ये पहन लो, मैं अंगूठियाँ तो पहन ही नहीं सकती. रिंग्स अ बिग नो. और फोटोशूट भी ख़त्म होते होते फिर सारी ऐसे उतरने लग जाते हैं, बिकॉज उसमें मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती. वरना ज्वेलरीज बहुत ही परफेक्टली सूट करते हैं इंडियन वेमेन को, किसी को भी एक्चुअली. श्रुति, आपने जितने भी कैरेक्टर्स निभाए हैं वो सब ऑडियंस पसंद किए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिए है. नेक्स्ट कौन सा कैरेक्टर निभाना चाहेंगे जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो या फिर ड्रीम कैरेक्टर? सी, as an actor I am very greedy. I want to explore each and every side of an actor, you know. I want to explore regional films also. I want to explore thriller or suspense or psycho lover kind of a thing. So I think abhi tak maine jitne bhi characters kiye hain sab ek dusre se alag rahe hain aur logo ne usko samjha hai aur apnaya hai, bahut pyar diya hai. To aage jo ek kirdar aane wala hai, to I hope log usko bhi utna hi pyar denge. ओके, आपकी जो फैन फॉलोइंग है या फिर जो ऑडियंस है आपको देखती है, वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है, क्या कुछ उनको मैसेज? दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग कंटिन्यूअसली फोटोशूट्स और रील्स के जरिए. आई एम ट्राइंग टू पेव अ पाथ बिटवीन मी एंड माई ऑडियंस, एंड बहुत जल्दी कुछ आ रहा है, तो वेट एंड वॉच. सो लास्टली, क्या कुछ ऑडियंस को मैसेज देना है? सो गाइज, आई नो थोड़ा वक्त कठिन है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चल रहे होंगे. बी पॉजिटिव, बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, बिकॉज दैट्स ऑल लाइफ इज़ ऑल अबाउट, राइट? एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी, फॉर लविंग मी सो मच. दैट इज़ रियली ओवरवेलमिंग, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी देयर फॉर यू एज वेल. थैंक यू.